नहीं होगा लोग का, मेरी बात समझ रहे हो ना। इस नेता से जितनी जल्दी आप लोग बच जाएंगे उतना आप लोग के भविष्य के लिए। ऐसे पुलिस पदाधिकारी को रामगढ़ में रहने कोई अधिकार नहीं है, और जिस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे। डीएसपी साहब स्पष्ट बोल रहे थाना में कि नेता लोग के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, तो इस तरह की धमकियां दे रही है। हम तो देखिए आरोप लगा रहे हैं कि ना आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इनसे ऊपर भी पदाधिकारी है, मैं अभी बात करता हूँ, एसपी साहब से भी बात करूँगा, आईजी डीआईजी जहाँ भी बात करना पड़ेगा करेंगे, और हमसे ऊपर के जो नेता हैं माननीय सांसद जयंत सिन्हा जी का मैं प्रतिनिधि भी हूँ इस क्षेत्र का, उनको भी मैं खबर करूँगा। मैं मिशन मोदी का रामगढ़ जिला का अध्यक्ष भी हूँ, तो ये बात करेंगे। इनको तो इनको पता भी नहीं कि कहाँ का कौन जनप्रतिनिधि है, और ढंग से बात भी नहीं करना। मैंने जनता को भी रोका, महिलाएं भी उग्र हो रही थी, सबसे आग्रह किया कि आप जब हम आ गए हैं तो आप लोग भी धैर्य रखिए और धैर्य के साथ परिचय दीजिए, और आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि न्याय हो, यही न्याय मांगने के लिए थाना पर एक विश्वास रहता है जनता का कि न्याय हो। इनका कहना है कि एक महिला ने केस किया, तो ये बताए कि कौन महिला ने केस किया, इन्होंने बोला कि बात किए, हम तो चाहेंगे कि उस महिला के पास ही जाएं, और मुझे संदेह है कि इन्होंने बात नहीं किया या तो दूरभाष पर ही पूछा होगा। कहीं ना कहीं दुर्भावना से ग्रसित होकर एक पार्टी जो सत्ताधारी दल है, जो चुनाव हारी है, उस हार को वो पचा नहीं पा रही है, और जो हमारे जो उत्साह जो भारतीय जनता पार्टी और आशु कार्यकर्ता मना रहे हैं, तो वैसे उत्साही कार्यकर्ता और वैसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस प्रत्याशी को उसके बूथ में ही हराया है, वो अपने बूथ में भी हारे हैं, तो उनके ऊपर लांछन लगाकर झूठा केस कर अब मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और इस तरह नेतागिरी के चक्कर में पड़ेगा तो आप लोग को बर्बाद कर देगा, मेरी बात समझ रहे हो आपको। नेता यहाँ आएगा फिर एक केस होगा, आप लोग जाइए, वो लोग कुछ नहीं होगा लोग का, मेरी बात समझ रहे हो ना। इस नेता से जितनी जल्दी आप लोग बच जाएंगे उतना आप लोग के भविष्य के लिए। मैंने कहा डीएसपी साहब स्पष्ट बोल रहे थाना में कि नेता लोग के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, तो इस तरह की धमकियां दे रही है। हम तो देखिए जब से अगर आदमी खाकी पहन लेता है तो ये सोच लेता है कि हमको खादी और खाकी ये दोनों का बराबर परस्पर का संबंध होता है। दोनों अगर गुड बिहेवियर करेंगे तो समाज अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा, और अगर खादी मनमानी करेगा और खाकी भी मनमानी करेगा तो अलग तांत्रिक व्यवस्था उत्पन्न होगी, तो ये व्यवस्था ना बने ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, और मैं गोला प्रखंड का उपप्रमुख होने के नाते मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शांति व्यवस्था कायम रहे, और जो अगर दोषी है, कार्यकर्ता दोषी है, सही में दोष किया है, तो एक को तो जेल भेजा गया है, उसका न्याय हो, और अगर दोषी नहीं है, निर्दोष को जेल भेजा गया है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो, सुपरविजन बढ़िया अधिकारी करे, और डीएसपी साहब ने अगर दुर्भावना के बस अगर काम किया है तो मैं आग्रह करूंगा अभी तुरंत बात करके वरिया पदाधिकारी से कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी को रामगढ़ में रहने कोई अधिकार नहीं है, और जिस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ऐसे पक्षपात करने वाले पदाधिकारी को इस जिले से हम लोग हटा नहीं देंगे। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, रामगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुनीता चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।